बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 3। आई एम योर सोशल स्टडीज़ टीचर। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड यू डू इफ़ यू आर बीइंग बुलीड। ठीक है, कि अगर आपके साथ कोई गलत या मतलब लड़ाई झगड़ा या किसी किस्म का कोई बुरा एक्शन कोई आपके साथ करता है तो आपको क्या करना चाहिए। आंसर इज़ इग्नोर द एक्शन ऑफ अदर पर्सन। कि आप अगर कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो आपको कोशिश करें कि आप उसके साथ लड़ाई ना करें। ठीक है, आप खामोश रहें या उस जगह से चले जाएं। वॉक अवे क्विकली, कि आप ऐसा कोई एक्शन कोई आपके साथ बदतमीज़ी करे या कुछ इस तरह, तो आपको वहाँ उस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप वो जगह छोड़ दें। नंबर 3, ऑलवेज टेल एन एडल्ट योर ट्रस्ट। के कहते हैं कि आप अपने किसी बड़े को बताएं, खुद से कोई इस तरह की हरकत ना करें, बल्कि इस तरह का कोई एक्शन कोई आपके साथ करता है तो आप अपने किसी बड़े को, अपने पेरेंट्स को, अपने बड़े बहन भाइयों को इस चीज़ के बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ मीन्ड बाय वाइज डिसीजन। वाइज मीन अकलमंद, डिसीजन मीन फैसला। कि वाइज डिसीजन क्या होता है। अ वाइज डिसीजन इज़ अ सेंसिबल एंड बेस्ड ऑन गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। कि अकलमंद डिसीजन या अकलमंद फैसला वो होता है जो आप हालात के मुताबिक लेते हो। क्लियर। ये क्वेश्चन 3 और 4 आपने अपनी सोशल स्टडीज़ की नीट कॉपी के ऊपर करने हैं। डेट एंड डे मेंशन करनी है और नंबरिंग वही करनी है जो बोर्ड पे लिखी हुई है। थैंक यू।